हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा शहर जिसको योग नगरी और भगवान बद्री केदार का द्वार कहा जाता है। जी हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश शहर के बारे में। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने योग की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। हर साल विदेशी पर्यटक भी यहाँ योग सीखने आते हैं। यहाँ अनेकों धार्मिक और पर्यटक स्थल है। इस वीडियो में हम आपको यहाँ के टॉप पर्यटक स्थल के बारे में बताएंगे जहाँ आप जरूर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल बी गाइडर में, जहाँ हम आपको छोटी छोटी जानकारियाँ देते हैं उन जगहों की जहाँ आप एक बार जरूर घूमना चाहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ऋषिकेश आध्यात्मिक शहर है। हर साल देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ विदेशी पर्यटकों से यह शहर पूरा सराबोर रहता है। यह शहर योग शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है और दोस्तों गंगा नदी के किनारे आपको अक्सर लोग योग करते नजर आएंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहली जगह लक्ष्मण झूला के बारे में। लक्ष्मण झूला गंगा नदी के मध्य में स्थित एक झूला पुल है। 450 फीट लंबे और 70 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पुल को देखने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यह पुल आम आदमी के लिए सन 1929 में खोल दिया गया था। आमतौर पर यह पुल इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसके आसपास अनेकों स्थान हैं जहां आप समय व्यतीत कर सकते हैं, जिसमें राम झूला, लक्ष्मण मंदिर, गीता भवन, स्वर्गाश्रम, 13 मंजिल आदि स्थित है। दोस्तों यह पुल उत्तराखंड के दो जिलों को अलग करता है, जिसमें टिहरी के मुन्नी की रेती और पौड़ी का एक छोटा सा गांव आता है। इसके आसपास गीता भवन है जहां आप मेडिटेशन कर सकते हो और आप यहां रुक भी सकते हो। स्वर्गाश्रम में आप योग की शिक्षा और योग का ध्यान कर सकते हो। दोस्तों लक्ष्मण झूला के आसपास पश्मीना मार्केट है जहां आपको शॉपिंग करने को मिल जाएगी। द बीटल्स आश्रम। दोस्तों इस आश्रम को 84 कुटिया आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1986 में लिवरपूल बैंड के यहां आने से इसका व्यापक पहचान मिली थी। ऋषिकेश में स्थित यह आश्रम लोकप्रिय है। 2015 में यह पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। यह स्थान शांति चाहने वाले और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करती है। लिवरपूल बैंड के सदस्यों की यहाँ तस्वीर भी उपलब्ध है। दोस्तों आध्यात्मिक लोगों के लिए 84 कुटिया पॉजिटिव एनर्जी का एहसास कराती है। यहाँ आपको दीवारों पर उकेरी गई पेंटिंग और भित्ति चित्र भी मिलेंगी जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। आप यहाँ फोटो शूट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्थान में आए और अध्यात्म और योग का ध्यान करें। यदि आप भी कुछ साहसिक खोज की तलाश में हैं और गंगा की लहरों से करना चाहते हो मुठभेड़, तो आ जाइए शिवपुरी में। शिवपुरी अर्थात शिव का निवास स्थान इसी के से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर बसा है शिवपुरी। गंगा नदी के तट पर स्थित यह स्थान राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण आपको आनंद प्रदान करता है। इस एरिया में एडवेंचर के लिए अनेकों स्थान है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर है कोडियाला राफ्टिंग सेंटर, जो खुद में मनमोहक जगह है। बिजनी में आप बंजी जंपिंग का आनंद उठा सकते हैं और अपने डर का परीक्षण कर सकते हैं। शिवपुरी क्षेत्र वनस्पतियों से घिरी एक खूबसूरत और हरी भरी पहाड़ियों से भरा स्थान है। यहाँ गंगा नदी हेरोइन रैपिड्स का प्रदर्शन करती है। शिवपुरी में आप जंगल वॉक, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग जैसे गतिविधियां कर सकते हैं। तो आप भी अगर इन एडवेंचर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहां का भ्रमण जरूर कीजिए। अगर आप भी हैं पशु प्रेमी और करते हैं जानवरों से प्यार, तो आ जाइए राजा जी नेशनल पार्क में। जी हां, यह एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक बाघ अभयारण्य भी है। यह पार्क 820 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला है। इसके अंतर्गत 3 वन्य जीव अभयारण्य आते हैं, जिसमें चीला, मोतीचूर, राजा जी प्रमुख हैं। इस पार्क के मध्य में सोंग नदी और गंगा नदी बहती है। यह पार्क वन्य जीवों का घर है।
यहाँ अनेकों प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जिसमें एशियन हाथी, बंगाल टाइगर, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, हाइना, गोरल, जैकॉल, सांबर, इंडियन लंगूर, पाइथन, मॉनिटर लिजर्ड जैसे अनेक जानवर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप भी यहाँ जरूर आएं, और दोस्तों राजा जी नेशनल पार्क के गेट से ही आपको जिप्सी उपलब्ध हो जाती है। अगर यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो यह सुबह 6 से 9 बजे तक खुलता है और शाम को 3 बजे से 6 बजे के लिए खुलता है। तो आप भी एक बार यहाँ जरूर आएं। समय हो चुका है संध्या का और सूर्य की लालिमा भी हमें आकर्षक नजर आ रही है, तो आ जाइए त्रिवेणी घाट में। दोस्तों त्रिवेणी घाट में माँ गंगा की आरती होती है। इसी केस में स्थित यह एक स्नान पूजा घाट है। यहाँ गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा प्रसिद्ध घाट है त्रिवेणी घाट। अपने पापों से मुक्त होने के लिए और अनुष्ठान स्नान करने के लिए यहाँ हर साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सुबह और संध्या के समय माँ गंगा की आरती होती है। वैदिक भजनों और मंत्रों के साथ माँ गंगा की आरती में आप भी जरूर हिस्सा लें। त्रिवेणी घाट के किनारे गीता मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी आप भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ गंगा किनारे नाव की सवारी करना भी जरूरी है, तो आप भी यहाँ जरूर आएं। इसके अलावा यहाँ अनेकों स्थान हैं जहाँ आप घूम के आ सकते हैं। इनमें नीलकंठ महादेव मंदिर भी प्रमुख है, तो आप भी ऋषिकेश जरूर आएं और गंगा नदी के किनारे बैठ के योग का ध्यान लगाएं। इस शांत माहौल में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी जरूर आएं और ऋषिकेश का आनंद लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं। धनो रुद्र प्रचोदया।